सो आई नो आप लोग में से बहुत सारे लोग सोचा रहे हैं कि मिरर क्यों इंस्टॉल किया भाई ऑन अ स्पोर्ट्स साइकिल। जी हाँ, उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज जैसे कि मैं दिन भर अपनी ई मिरर के ऑफिस के लिए यूज़ करता हूँ और शाम के टाइम वाइफ और डॉटर भी अपनी ई बाइक चलाते हैं तो वो सेफ महसूस नहीं करते, क्योंकि कोई भी बाइकर जैसे वी कॉल एज अ छपरी वैसे कट बीट मार के चले जाते हैं। और वाइफ को भी आदत है एक्टिवा चलाएगी तो साइड के मिरर यूज़ करने की, और उसके अंदर मिरर मिसिंग से जैसे सेम फील मुझे भी हुआ था व्हेन फर्स्ट टाइम मैं घाटकोपर से ई बाइक लेके आया विदाउट मिरर, पीछे का कुछ आइडिया नहीं आता, सो मुंडे से पीछे करके देखना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई मैंने भी सोचा कि मुझको भी सेफ हो जाएगा। और टॉकिंग अबाउट द लुक्स खराब हो गई, नहीं दोस्तों मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज आफ्टर इंस्टॉलिंग द मिरर मुझे तो ई मिरर की और अच्छी दिख रही है, क्योंकि उसका जो लुक है जो नीचे की तरफ से ऊपर तरफ जो मिरर आता है वो ब्यूटीफुल है यार। अपनी ई मिरर की जैसे अपने डिकेल स्टिकर लगाने के बाद और मिरर लगाने के बाद मुझे तो और ब्यूटीफुल लगती है। जैसे मैं ओल्ड वीडियोस देखता हूँ मिरर की के जब आए थे वो दिन और फर्स्ट अपना अनबॉक्सिंग का वीडियो, उसके कंपैरिजन में अभी की मेरा की ब्यूटीफुल दिख रही है। ऑल्सो आप लोग सोचते रहेंगे कि एक ही साइड दैट मीन राइट हैंड साइड ही क्यों मिरर इंस्टॉल किया, बिकॉज आप लोगों को तो पता है आप लोग इंडिया में या मुंबई में लेफ्ट हैंड साइड से ही चलाते रहते हैं। सो राइट हैंड साइड का एरिया मोस्ट ऑफ आप देखते रहते हैं, बिकॉज अपनी ये साइड पर तो रोड खत्म हुआ रहता है जैसे कि हम लोग लेफ्ट साइड से चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड का ही इनफ है, अगर आपको लगता है तो आप दोनों साइड पर भी मिरर इंस्टॉल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल दैट इज सागर्स लाइफ आवर चैनल नेम। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है रिसेंटली मैंने विजिट किया था डीकैथलॉन, वहाँ से कुछ चीज़ें परचेस की थी। जी हाँ, उसी कुछ चीज़ों में से दो चीज़ों के ऊपर ये वीडियो डिपेंड है। वीडियो का टाइटल लेके तो आपको पता ही चला रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप मिरर इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन मिरर की और एनी ऑफ द बाइसिकल यू हैव। ऑल्सो आई हैव दिस हाइब्रिड एयर पम्प, जिस हवा से पम्प करके आप टायर के अंदर हवा भर सकते हो, वेरी हैंडी डिवाइस है। सो फ्रेंड्स, ये है मिरर जो मैंने परचेस किया है फ्रॉम डीकैथलॉन। ये सिर्फ एक साइड का ही आता है, चाहिए तो आप दोनों साइड पे भी डाल सकते हो, चाहिए वो एंगल में घूम जाएगा। ये यहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। ऑल्सो आई हैव ब्रॉड डीकैथलॉन हैंड पम्प, जिस हाथ से हवा भर सकते हैं आप, यहाँ से बाहर खींचोगे तो उसके अंदर की केबल आ जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन दे दी है, मैक्स टू मैक्स 87 PSI भर सकते हो थ्रू दिस हैंड पंप। बैक साइड में ऑल द डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये अपना राइट हैंड साइड का हैंडल बार ग्रिप है, वो मैंने बाइक से रिमूव कर दिया, एकदम इजीली रिमूव हो जाएगा, जस्ट रोटेट करके उसको रिमूव कर दीजिए। अगर हमको ये चीज़ इंस्टॉल करनी है तो इतना शेप का एरिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, दैट्स वाई इस कटर से जितना हो सके उतना मैंने कट कर लिया, आप देख सकते हैं। सो ऐसे कुछ एरिया मैंने कट कर दिया है। सो अभी इस पार्ट को अंदर की तरफ पुश करना है, इतना अंदर जाएगा, और उसके बाद टाइट करने के लिए इस एलन की बोल्ट से उसको टाइट कर देंगे। तो उसके बाद एक्चुअली क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और हैंडल बार में परफेक्टली बैठ जाता है। अब इसको अंदर की तरफ पुश कर लीजिए, थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगी, चाहिए तो आप ज़्यादा भी फाड़ सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा नहीं फाड़ना है, इतना इज इनफ, इजीली अंदर जाना चाहिए। ये देखिए एक पोर्शन गया, और ये तीन। सो ये अपना परफेक्टली अंदर की तरफ चला गया है, आप देख सकते हो। One eternity later. सो फ्रेंड, लाइट विजिबल नहीं थी तो दैट्स व्हाई आई कुडंट शूट व्हाइल इंस्टॉलिंग दिस मिरर। डोंट वरी, अभी आपके सामने वापस इसको रिमूव करके इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको दिखा दूंगा। सभी आप देख सकते हो ये एक स्क्रू है और सेम साइज का स्क्रू यहाँ पे भी है, तो उसके हिसाब से आप इसका एंगल एडजस्ट कर सकते हो चाहिए वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको व्यू एंगल दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से विजिबिलिटी मिल जाती है मुझको। लास्ट 2 वीक से मैं मिरर यूज़ कर रहा हूँ, परफेक्ट है, और 2 हफ्ते यूज़ करने के बाद ही ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ प्रॉपर रिव्यू शेयर कर पाऊँ। सो इंस्टॉलेशन पार्ट कुछ ऐसे दिखता ही है, हैंडल ग्रिप के ऊपर परफेक्टली आ जाता है, सेम आपको चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप डाल सकते हो। सबका भी रिमूव करके दिखा देता हूँ।
जैसे ही आप लोगों को बताया कि मैंने इसको इस हैंड ग्रिप के अंदर डाला है, तो हैंड ग्रिप को भी रिमूव करना पड़ेगा हमको। ये ऐसे गोल गोल घुमा के आप हैंड ग्रिप रिमूव कर सकते हो। सभी आप इसका रॉड देख सकते हो, कुछ ऐसे तरह से इस अंदर का रॉड दिखता है और कुछ ऐसी तरह से अपनी ग्रिप और ये मिरर दिखता है। अगर गलती से भी आप लेफ्ट हैंड साइड का मिरर परचेज करते हो, नो वरीज, इस दोनों स्क्रू को लूज करके इस रॉड को यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ से भी डाल सकते हो। सो डोंट वरी, अगर इनके साथ ऑनलाइन परचेस करते हो, आपको लेफ्ट हैंड साइड की जगह राइट हैंड साइड का आ गया और राइट हैंड साइड की जगह भी लेफ्ट हैंड साइड का आ गया, तो आप सेम चीज़ कॉन्फिगर करके यूज़ कर सकते हो। सो चलो अभी इस चीज़ को वापस कैसे इस रॉड पे इंस्टॉल करते हैं आपको दिखा देता हूँ। ये अंदर की तरफ से आप पार्ट देख रहे हो। सो जैसे जैसे आप ये स्क्रू टाइट करते हो, ये अंदर एक्सपांड होता जाता है, दैट मीन ये इस रॉड के अंदर टाइट बैठ जाता है। सो दैट्स व्हाई ये रिमूव भी नहीं होता है। सो चलो आपको अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ ये। अभी लिक्विड स्क्रू ऐसे रोटेट कर करके डालिए ताकि प्रॉपरली बैठ जाएगा, अदरवाइज इसकी ग्रिप खराब हो जाएगी और ये लूज हो जाएगा। अब इसको ऊपर की तरफ ले लीजिए। अभी आप देख सकते हो ये ग्रिप और अपना एक्सेलेटर परफेक्टली बैठ चुका है, ज़रा सा भी गैप नहीं है। ये हैंडल बार का प्ले आप प्रॉपरली एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको थोड़े नीचे की तरफ चाहिए था थोड़े नीचे की तरफ कर लेना। ये हो गया, अब इसको ऐसे ऐसे कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो आप। और ये सेम एलन की का स्क्रू यहाँ से टाइट कर लेना है हमको। ये आप देख सकते हो अपना ये मिरर परफेक्टली लग चुका है, ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है, अपना हैंडल हिल रहा है मगर मिरर नहीं हिल रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन इंस्टॉल मिरर ऑन योर ई बाइक और एनी ऑफ द साइकिल एज दिस वन वी परचेज फ्रॉम डी कैथलॉन। सो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो मिरर के अंदर व्यू। ये एक चीज़ हमने परचेज की है फ्रॉम डी कैथलॉन, इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है 199 रुपीज़। बहुत ही अच्छा है, अराउंड यहाँ से यहाँ तक लंबा भी है। ऑल्सो दिस वन कॉस्टेज में अराउंड 399 रुपीज़, दिस वन कॉस्टेज में अराउंड 599 रुपीज़। अगर इन केस आप के यहाँ पे डी कैथलॉन का शॉप नहीं, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर से परचेज कर सकते हो। मैं इन तीन ही प्रोडक्ट की परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हैंड पम्प। ये एरिया है जो नॉर्मल हम लोग जो एयर फिल करते हैं उसके लिए ये साइड वाला यूज़ करना है आपको, और ये है प्रेस्टा वॉल। सो प्रेस्टा, अगर आपकी बाइक के ऊपर प्रेस्टा वॉल है तो आप ये साइड यूज़ कर सकते हो। तो चलो अभी आपको अपनी ई बाइक के टायर में से हवा रिमूव करके वापस फिल कैसे करते वो दिखा देता हूँ। अभी हवा रिमूव करने के लिए मैं एक स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं अपने टायर के अंदर की कंप्लीटली हवा रिमूव हो चुकी है, देख लीजिए। सो अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे वापस टायर्स के अंदर फिल करते हैं। इसको ऐसे लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक के साइन है, उसको अनलॉक कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद ये नॉब है उसको ओपन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि रेगुलर वाला साइड आपको यूज़ करना है, जैसे ऊपर की तरफ उसको घुमा दीजिए, जितना अंदर की तरफ जाता है उतना अंदर जाने दीजिए उसको। तो अभी स्टार्ट करते हैं हवा भरने को इसके अंदर। टायर के नीचे के एरिया पे आप ध्यान दीजिए, तो धीरे 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 हवा भरते जा रही है। आपको यहाँ पे थोड़ा प्रेशर महसूस हो जाए तो आप समझ लीजिए हवा भरने को आ चुकी है, क्योंकि अभी मेरे हाथों को उतना फ्री प्ले नहीं मिल रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और आप टायर की कंडीशन में देख सकते हो मोस्ट ऑफ द हवा फिल हो गई है टायर के अंदर, बस थोड़ी सी बाकी है। अभी इस वॉल को रिमूव कर लेता हूँ, दैट्स इट। अपनी कैप लगा दीजिए वापस। अभी आपको टायर दबा के दिखा देता हूँ, ज़रा सा भी टायर अंदर पुश नहीं हो रहा है। सो इन दिस वे ऑल्सो यू कैन फिल अप द एयर इन योर बाइसिकल और ई बाइक टायर।
ध्यान में रखिए इसके अंदर आपको इन बिटवीन 60 to 65 PS हवा भरनी है, द सेम हैज बीन मेंशन ऑन द टायर वॉल टू। सो नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माय मिरर की, हफ्ते में एक बार तो उसको वॉश कर लेता हूँ। ऑल्सो फ्रेंड, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था अबाउट दिस ई बाइक, इस ई बाइक की चार्जिंग साइकिल। सो टोटल 750 साइकिल्स है इस बैटरी के, सो 750 टाइम्स आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो। सो हर रोज भी आप इसको चार्ज कर दो, फिर भी दो साल के तो इजीली चली जाएगी, और मैक्स टू मैक्स जैसे मैं कर रहा हूँ हफ्ते में दो बार कर लेता हूँ ऑन माय करंट यूज, सो समझ लो चार साल तो इजीली चल जाएगी। फिर भी इसकी बैटरी अगर खराब हो जाती है आफ्टर टू ईयर्स, वैसे तो इसकी वारंटी है ऑफ वन ईयर, सो भले उस खराब हो जाने की इसकी कॉस्ट क्या रहेगी यार, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 हज़ार रुपये, सो बहुत मिनिमल ऐसी अमाउंट है। जी हाँ, ये है डिटेल्स अबाउट ई साइकिल्स बैटरी चार्जिंग साइकिल्स। सो फ्रेंड दैट्स इट इन दिस वीडियो, जो जो चीज़ें मैंने परचेस की थी फ्रॉम डिकेथलॉन उसमें से तीन चीज़ें मैंने कवर की इस वीडियो के अंदर, बाकी ये चीज़ें इन फ्यूचर वाले वीडियो में कवर कर दूंगा। सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड एनी हाउ आप लोग को ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा रहेगा तो यू गाइज कैन हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो यू कैन शेयर द सेम विथ योर फ्रेंड। सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड हार्ड, राइड सेफ, सी या। Bye, bye.